साका नीला तारा दे बरसी मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार अते एसजीपीसी प्रधान भाई गोविंद सिंह लौंगोवाल वल्लों खालिस्तान दे मुद्दे ते दित्ते गए बयान नूं लै के सियासत लगातार भखदी जा रही है। लुधियाणा तो कांग्रेस दे संसद रवनीत विटू ने जथेदार अते एसजीपीसी प्रधान सने अकाली दल ते सवाल खड़े कीते ने अते कहा है कि इस मुद्दे ते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अते सुखबीर बादल नू अपना स्टैंड साफ करना चाहिदा है। उन्होंने कहा है कि ए पंजाब दी शांति नू भंग करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। सांसद रवनीत बिटू ने कहा है कि एसजीपीसी दे प्रधान अते श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कहा है कि केंद्र सरकार सिख कौम नाल धक्केशाही कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे ते अकाली दल नू स्पष्टीकरण देना चाहिदा है कि केड़े मुद्दियां ते सरकार उन्हां दा साथ नहीं दे रही। नाल ही बिटू ने कहा है कि पंजाब दी शांति नू भंग करन वाली बयानबाजी जथेदारां वल्लों कीती जा रही है। उन्होंने कहा है कि ए एक बहुत सत्कारयोग अहुदा है पर बादलां वल्लों थापे गए जथेदार इस दी मर्यादा भंग कर रहे ने। इस दे नाल ही सिमरजीत सिंह मान ते तंज कसदिआं उन्होंने कहा कि उन्हां नू तां कोई वोटां तक नहीं पौंदा, पंजाबी पंजाब दी भलाई चाहुंदे ने, किसी भी तरह दी कोई खालिस्तान दी मंग नहीं कीती जा रही। रवनीत बिटू ने कहा कि जेकर पंजाब दा हर व्यक्ति खालिस्तान चाहुंदा है तां केंद्रीय मंत्री हरसिमरत मोदी सरकार दे कोल जा के ए मता क्यों नहीं रखदी। एमपी रवनीत बिटू ने जम के अकाली दल ते शब्दी निशाने बिन्ने अते कहा कि हुण मोदी सरकार नू इस ते कुछ दा फैसला लेना चाहिदा है। होर की कुछ कहा रवनीत बिटू ने, आओ सुनदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि आपां सारे जाणदे हां, आ दिन सारे समुचे पंजाबियां लई, सिखां लई बहुत ही दुखदाई ते दर्द भरे मंजल आ। हर घर च सोग ते दुख ही मनाया जांदा है। पर मैं बार बार जिवें ये गल कही सी भी साढ़े सारियां लई अकाल तख्त साहब तो वड्डा कुछ नहीं गा, उदू सुची जगह साढ़े लई उदू वड्डा हुक्म कोई नहीं। पर जिहड़े उस गद्दियां ते बहिंदे आ, मैं पहला भी गल अज तो 3-4 महीने पहला उठाई सी, उस जिहड़े गद्दियां ते बहिंदे ने ओ बादल साहब जिहड़ी अकाली दल पार्टी आ, बादल साहब उन्हां दीआं जेबां चों परचियां निकल के ओ गद्दियां ते बहिंदे आ। ते अज जदों मैं पहला कहिंदा सी, मैं बीजेपी नूं भी उदों कहा सी, आम आदमी पार्टी नूं भी कहा सी जदों जगतार हवारे दी गल आई सी, पर उस वेले कोई नहीं बोलिया। वह दर्द आ जिहड़ा, क्योंकि वह मेरा दर्द सी, साडा दर्द सी उदों, ये पार्टियां नहीं बोलियां। पर अज जदों उन्होंने ये गल कही भी जिहड़ी बीजेपी की सरकार आ, जिहदे विच बीबी हरसिमरत कौर भाईवाल ने, अकाली दल भाईवाल आ, भी सारे मुल्क दे विच अज जथेदार साहब ने कहा भी सिखां दे नाल वह सरकार आ जिहड़ी वह धक्का कर रही है, कोई चंगा वर्ताव नहीं कर रही। अज बीजेपी ते बीबी हरसिमरत कौर ते सुखबीर सिंह बादल इस गल ते की कहणगे, यही गल उन्हां दे श्रोमणी अकाली दल जिहड़े प्रधान अकाली दल दे बनाए होए ने, उन्हां ने लौंगोवाल साहब ने गल कही। दूजी उन्हां ने यह गल कही बई सानू खालिस्तान हर सिख चाहुंदा है, हर पंजाबी चाहुंदा है, यह बिल्कुल झूठ। अज कहड़ी सरकार आ जिहड़ी डेमोक्रेटिक ढंग नाल लोकां ने बनाई आ, सिमरनजीत सिंह मान जां होर अकाली दल जिहड़े ओह खालिस्तान मंगदे सी ते लोकां ने बिल्कुल इहनां नूं नकारिया है। जमानतां जब्त हुंदियां है, कितें पार्लीमेंट चोणां च वी 200-400 वोट पैंदी आ, ते लोकां ने ओह एजेंडा बिल्कुल नकारिया है जिहदी गल जथेदार साहब ने कीती आ। लोक पंजाब चाहुंदे ने, पंजाब दी खुशहाली चाहुंदे आ। ते तीजी गल मैं जिहड़ी पुछणा चाहुंदा, अज आम आदमी पार्टी ने इहदा विरोध कीता, स्वागत करदा मैं उहनां दा। बीजेपी अज जागी आ, उठी आ, ओह अज जरूर दसण कि मोदी साहब, अमित शाह जी तां होर सरकार कित्थे कित्थे जिहड़ा जथेदार जी ने कहा ओह धक्का कर रही आ, कित्थे कित्थे कुताहियां कर रही आ, ओह गल दा जवाब देना पऊ, क्योंकि जथेदार साहब बादल दी जेब चों निकले होए ने। उन्हां ने इह गल कही आ ते होर भी इह जरूरी हो जांदी है, ते उन्हां ने खालिस्तान दी गल कीती जे उन्हां ने, ते लौंगोवाल साहब ने उन्हां दे बणाए होए, इहदा मतलब की बीबी हरसिमरत कौर अपने जथेदार साहब दी, अपने लौंगोवाल साहब प्रधान की गल मनणगे, कैबिनेट दे विच खालिस्तान मंगणगे। अज यह साफ गल्लां हो जाणगियां कुछ दिनों बाद, एक तो बीजेपी साफ करे भी जो अकाली दल ने, श्रोमणी अकाली दल ने प्रधान बनाए ने जिहड़े लौंगोवाल साहब ते जथेदार, उन्होंने जिहड़ी गल कही है खालिस्तान की, उन्हूं अकाली दल बीजेपी कोल हरसिमरत कौर कैबिनेट च गल उठाएगी, नहीं यह साबित हो जाएगा
ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਏ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਭਾਂਬਣ ਲਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਝਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ